नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जानकारी देंगे वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में, साथ के साथ डी ब्रोगली रिलेशन के बारे में बताएंगे। तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने बताया, प्रपोज किया कि अंडर सुइटेबल कंडीशंस यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, तो जो मैटर के मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स वो वेव लाइक नेचर दिखाते हैं, ठीक है, कि अंडर सुइटेबल कंडीशंस जो मैटर के मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो वेव लाइक नेचर दिखाते हैं। उन्होंने कहा जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है पार्टिकल के मोमेंटम के साथ, यानी जो वेवलेंथ किसके साथ एसोसिएट होती है, एसोसिएटेड विद मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, उन्होंने दिया वो रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, तो इस रिलेशन को कहा गया डी ब्रोगली रिलेशन, और ये जो वेवलेंथ थी इसे कहा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये रिलेशन कहलाया डी ब्रोगली रिलेशन। तो इसे यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है मैटर की, एच प्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम, एच ये वही प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंटम की वैल्यू हमने रख दी मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये इसका मैटर की तरफ एट्रीब्यूट करती है, और जो मोमेंटम है ये टिपिकल एट्रीब्यूट ऑफ ए पार्टिकल की तरफ दिखाता है। तो ये थी इसकी डी ब्रोगली रिलेशन। अगर हम किसी फोटोन के लिए लें, ठीक है, फॉर अ फोटोन, फोटोन को अगर हम कंसिडर करें तो फोटोन में क्या होता है, फोटोन का मोमेंटम होता है h न्यू ओवर c, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी और c स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे क्या था, h अपॉन p, तो p को हम इधर ले जाएं और h को यहीं रहने दें, h को यहीं रहने देते हैं और p को इधर ले आएं, तो ये न्यू इधर आ जाएगा और c ऊपर पहुंच जाएगा, और h अपॉन p किसके बराबर था, h अपॉन p लैम्डा। तो यहाँ से रिलेशन आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो ये फोटोन के लिए होगा। अब लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इस बार अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें तो फॉर अ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर उसका मास m है, चार्ज e है और पोटेंशियल v है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है उसकी, k इज इक्वल टू ई वी, इलेक्ट्रॉन के लिए है। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर, पहले हमारे पास क्या था, डी ब्रोगली रिलेशन, उसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये हमारी इक्वेशन वन है। इसे इक्वेशन टू मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें और मास से डिवाइड कर दें, तो एक मास से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम से डिवाइड कर दिया, यानी इसमें हमने एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया एम वी, तो क्या हो जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन टू एम। और एम वी किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का, हमने देखा था मोमेंटम की वैल्यू एम वी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन आया, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट, तो p की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2mk, इक्वेशन 3। अब हम जानते हैं इक्वेशन 2 में हमने k की वैल्यू क्या निकाली थी, काइनेटिक e इंटू वी, तो हम इक्वेशन 3 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या था, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2mev, क्योंकि k की वैल्यू हमने इसमें यहाँ से रख दी, तो मोमेंटम की वैल्यू आई ये। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, डी ब्रोगली रिलेशन के अनुसार क्या था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mev। अब अगर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, प्लैंक कांस्टेंट h, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये सारी वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसमें, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा इससे, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट वी, और किसमें, न्यूटन मीटर। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है तो हम डायरेक्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। तो ये था डी ब्रोगली रिलेशंस, आपने देखा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।